सत श्री अकाल दोस्तों, BS न्यूज़ पंजाबी ते तुहाडा स्वागत है जी। गल किसानां दी, देश दे किसान जिथे खेती नूं कारपोरेट घराणियां दे हत्थां विच जाण तों बचाउण लई संघर्ष दे राह ते हन, उत्थे ही देश दे बहुत सारे किसान अज जड़ी बूटियां दी खेती करके वड्डा मुनाफा कमा रहे हन। जी हाँ, अज गल करन जा रहे हां इस बगोल दी। इस नूं देश दे गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश ते मध्य प्रदेश दे किसानां वल्लों वड्डे पद्धर ते उगाया जा रहा। यही नहीं, एक रिपोर्ट मुताबक इस भूगोल के कुल उत्पादन का 80% हिस्सा भारत में उगाया जाता। देखते हैं एक खास रिपोर्ट। अशुद्धि फसलों के निर्यात में इसबगोल का पहला स्थान है। साढ़े देश में हरेक साल 120 करोड़ के मुल का इसबगोल निर्यात हो रहा। विश्व में इसके प्रमुख उत्पादक देश ईरान, इराक, अरब अमीरात, भारत और फिलीपींस ने। भारत में इसबगोल अद्धी दर्जन तो ज़्यादा राज्यों में उगाया जाता है। मध्य प्रदेश की गल करिए रतलाम, मंदसौर, साजापुर और उज्जैन में बड़े पैमाने पर किसान इसकी खेती कर रहे हैं। जड़ी बूटियां की खेती की गल करिए हमेशा तो ही एक चंगा मौका रहा है, क्योंकि इस विच निवेश घट हुंदा अते कमाई ज़्यादा हुंदी है। इस बगोल का इस्तेमाल आयुर्वेदिक एलोपैथी दीयां दवाइयां विच हुंदा। इस बगोल के कुल उत्पादन का 80% तो ज़्यादा हिस्सा भारत में उगाया जाता है। इस बगोल की खेती कर रहे किसान दसते हैं कि एक विघे तो 4 क्विंटल तक पैदावार होंगी है। फिलहाल एक क्विंटल का रेट 10,000 रुपए तक होंगे। एक विघे की खेती विचों खर्च मात्र 2 से 3 हज़ार रुपए होंगे। इस दे नाल ही DD किसान की रिपोर्ट मुताबक यह भी है कि एक हेक्टेयर में इस बगोल की फसल में लगभग 15 क्विंटल बीज प्राप्त होंगे। इस दे इलावा सर्दियों में इस बगोल के भाव में वाधा हो जाता है। जेकर इस बगोल को प्रोसैस करवाया जाता है तो मुनाफा ज़्यादा होंगे। इस बगोल की खेती अक्टूबर नवंबर के महीने में की जाती है। फसल मार्च के महीने तक पक के तैयार हो जाती है। जेकर तुसी साड़ी ये वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हो तो कृपा करके चैनल नूं सबसक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक कर दिओ जी। तो जेकर तुसी साड़ी ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हो तो कृपा करके पेज नूं लाइक कर दिओ जी। धन्यवाद।